उत्तराखंड के दमदार बहस के शो पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज बात होगी कि उत्तराखंड की सियासी जो हवा है उसमें क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, सत्ता के टेम्परेचर को नापेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ कह रहा है। तो विपक्ष के पास अपने अपने मुद्दे हैं, जहां एक तरफ जिलों की बात की जा रही है कि इतने नए जिले हम देंगे, उतने नए जिले आप देंगे, लेकिन उसी वक्त विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो सीएम धामी है और जो उनकी सरकार है वो दरअसल घोषणावीर सरकार है, कि घोषणाओं की तो झड़ी है लेकिन बातें सारी फुलझड़ी हैं। उनका कहना है कि आखिर प्रदेश को दिया क्या क्या। तो कहते हैं विपक्ष वाले कि प्रदेश को दरअसल सिर्फ मुख्यमंत्री दिए गए हैं। ऐसे में तंज कसते हुए ये भी कहते हुए नजर आते हैं विपक्ष के हरीश रावत जी। उनका कहना है कि अगर एक बार फिर से योगी अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सिर्फ नए मुख्यमंत्री मिलेंगे। मतलब घोषणाओं का दौर हर तरफ से है, घोषणा सरकार भी करती है, घोषणा विपक्ष भी करता है, लेकिन दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, इसको जांचने परखने का वक्त है। ऐसे में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको देखिएगा सर। उत्तराखंड में 2017 के दौरान भाजपा सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तो बनाई, लेकिन 2021 आते आते पार्टी ने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दे दिए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर खासा चर्चा में रहे। वहीं अब विपक्षी दल पुष्कर सिंह धामी को घोषणावीर मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं लगातार घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो घोषणा कब पूरी होगी इसकी कोई जानकारी अभी तक उन्होंने नहीं दी है। बिल्कुल, तो घोषणावीर कहा गया है सरकार को। ऐसे में विपक्ष और क्या क्या जो बातें हैं वो कहेगा ये तो पता चलेगा, क्योंकि चुनाव अभी चढ़ रहा है, अभी पूरी तरीके से चुनावी माहौल नहीं बना है। चुनाव जब तक होंगे तब तक चुनाव चढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा को शुरू करते हैं। आपसे जो तारुफ है, जो लोग जुड़े हैं उनसे तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अमनदीप सिंह जी हैं यूथ कांग्रेस से, उमा सिसोदिया जी हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तिलक चावला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले उमा सिसोदिया जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव जी आते हैं और कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी आते हैं और कहते हैं कि हम 6 नए जिले देंगे, हम इतने नए जिले देंगे, हम 1,00,000 रोजगार देंगे, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो घोषणाओं की झड़ी तो दरअसल यहां से भी लगाई गई है, तो आप घोषणा जी भी कैसे बता रहे हैं सरकार को? ठीक है उमा जी, अपना जरा ऑडियो जो है उसको म्यूट से हटा दीजिएगा जरा। सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2022 का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी का पहला उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, और हमारी दिल्ली में जो हमारी सरकार है या कहें कि अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के संयोजक जो है वो उत्तराखंड के चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ पार्टी लड़ेगी। और रही बात आपने जैसे कहा कि रही बात घोषणाओं की, हमने ये घोषणा की या वो घोषणा की, देखिए हमारी घोषणाएं कोई घोषणा नहीं होती है। दिल्ली में भी हम लोगों ने घोषणाएं की थी कि हम लोग बिजली जो है फ्री में देंगे, पानी जो है फ्री में देंगे, महिलाओं के लिए ये बस में टिकट फ्री करेंगे, तो हमने वहां पर ये सब कुछ करके दिखाया है। ऐसे नहीं है कि हमने दिल्ली में घोषणाएं की और हमने उनको पूरी नहीं किया और उसके बाद मीडिया या आप लोग विपक्ष उनसे सवाल करेंगे कि आपने घोषणा की थी और आपने किया नहीं तो आप देहरादून में सॉरी उत्तराखंड में आप कैसे करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल पेश किया हुआ है, एक सबके सामने खुला हमारा मंच है कि हम घोषणाएं मैनिफेस्टो जारी करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में सरकार के लोग अगर घोषणा करते हैं तो इससे विपक्ष को क्यों सिरदर्दी है? देखिए सरकार की जो घोषणाएं हैं, खासतौर पे अगर मैं धामी सरकार की बात करूँ, 4.5 साल तो आप लोग जिस तरह का काम नहीं कर पाए जो आपको वाकई में मिले उत्तराखंड को, तिलक सिंह रावत जी ने कोई काम यहाँ पर किया,
अब अचानक से धामी जी को लेकर आए हैं और धामी जी जिस हिसाब से घोषणाओं पे घोषणा किए जा रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आपके हाथ में सारी पावर है, लोग आपके मतलब पूरा पार्टी का यहाँ बैठे, तो उत्तराखंड की सियासत है ऑलरेडी सब आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आपको घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, आपको तो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कर देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धामी जी आते हैं, धामी जी घोषणाएं करते हैं और अपने उसके बाद जाके धामी जी सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने कल ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी घोषणा में मुख्यमंत्री होना, अभी हमारे हाथ में अभी हमारा सरकार नहीं है, हम घोषणाएं करते हैं तो हम जनता को ये जरूर कहते हैं कि 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन घोषणाओं को पूरा करेंगे, ठीक है नहीं कर पाए तो आप हमें मुहूर्त दीजिएगा आगे, ठीक है आप पहली बार ठीक है आप पहली बार परीक्षा में हैं तो आप कह सकती हैं, लेकिन अमनदीप सिंह जी आप और बीजेपी का तो जैसे आए राम गए राम आपका तो सिलसिला लगातार चल रहा है, तो आपके सिलसिले में आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप घोषणा जीवी हैं बीजेपी से, आपने भी काफी घोषणाएं की जिनको पूरा नहीं कर सके। देखिए ऐसा है घोषणा जीवी, अगर हमने घोषणा वीर अगर मुख्यमंत्री जी को कह दिया गया है तो भाजपा जिस प्रकार से घोषणाएं 2017 के मैंडेट में भी कर रही थी, 2017 में जब प्रदेश की जनता ने इनके विश्वास जताया, 59 सीटों का मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन उस जो घोषणा इन्होंने जो एक टैग दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि ये जुमलेबाजों की सरकार है देश के अंदर, इतने निरंतर जिस प्रकार से जुमले दिए प्रदेश की जनता को और प्रदेश की जनता ने पूरा प्यार दिखाया और उनको 57 सीटों का मैंडेट लाके 59 सीटों का मैंडेट लाके उनको प्रदेश में बिठाया, लेकिन उस जो उन्होंने उनके द्वारा वादे किए गए थे क्या वो धरातल पे उतरे, आज प्रदेश की जनता के सामने है, तो हम इस चीज से मजबूर है कि हम इनको घोषणावीर कहेंगे क्योंकि प्रदेश का प्रदेश में एक भी विकास चाहे वो रोजगार के मामले में हो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के मामले में हो किसी भी प्रकार का, अगर आप इनका वादा ले लीजिए, अगर इनका 2017 का अगर आप संकल्प पत्र देखेंगे तो उसमें भी बड़ी बड़ी घोषणाएं इनके द्वारा की गई थी कि प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारी पे जो निरंतर बढ़ रही है उस पर रोकथाम लगाई जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बदल पाई। अगर आज हकीकत यह है सरकार की तीन मुख्यमंत्री देने के अलावा आपने प्रदेश को क्या दिया है, धरातल पे कौन सा विकास आज प्रदेश के जनता के सामने है, कौन सा विकास है, कौन सी बेरोजगारी कम हो रही है आपके शासनकाल में, घोषणा वीर बोलना तो मजबूरी है जी, वो कहते हैं कि आपके कार्यकाल में कौन सा विकास हुआ, वो पलट के कह देंगे कि आपकी सरकार में कौन सा विकास हुआ था आपके कार्यकाल में। आप अगर 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 हम इनसे पूछे कि आप किसी भी उसको बोलते हैं कि आंकड़े उठा के देख लीजिए कि आपके शासनकाल में बेरोजगारी का आंकड़ा कहाँ है और हमारे प्रदेश में जब सरकार थी तब बेरोजगारी का आंकड़ा कहाँ था और क्या चीज का, देखिए बताने का नहीं है, देखने को प्रदेश की जनता को पता है और अगर आज देश की जनता को कुछ नहीं पता है तो सर्वे आंकड़ों में कागजों में किताबों में तो कुछ कुछ होता है लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ ही बयां करती है। चलिए ठीक है, ऐसे हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आप बताइएगा, इनका कहना है कि आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा तो देखेंगे आप समझ में आएगा कि हमारे कार्यकाल में कितना काम हुआ और आपके कार्यकाल में विकास कहाँ छुपता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहती हूँ जी, और आप सिर्फ घोषणा जी भी हैं ऐसा कहा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं आप पर, इनकी सरकार कितना टाइम रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल की स्थिर सरकार दी है और पिछले 4.5 सालों का अगर लेखा जोखा आप यहाँ पे लेंगे तो आपके सामने सारे आंकड़े हैं। बेरोजगारी की यहाँ पे अमन भाई साहब बात कर रहे थे, 3.1 जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो CMRI की रिपोर्ट है जो जब जाहिर है, तो ये चीजें भी आप देखिए कि पहले क्या थी और इतनी ज्यादा बड़ी चुनौतियां आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास कार्यों को जो गति दी है, जो डबल इंजन की गति प्रदेश में मिली है, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे कार्य जनता के बीच में कर रही है और लोगों को
एक आने वाला जो समय है वो भी स्थिर गवर्नमेंट देने का काम कर रहे हैं। आप ये मत देखिए कितने मुख्यमंत्री दिए, ये देखिए कि तो ये उपलब्धि है आपकी, ये उपलब्धि है कि कितने मुख्यमंत्री दिए, ज्यादा मुख्यमंत्री देना उपलब्धि है, नहीं ज्यादा मुख्यमंत्री देना उपलब्धि है। देखिए ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे 4.5 साल रही, ये उपलब्धि है और आगे 5 साल भी रहेगी, जनता हम पे पूरा विश्वास जता रही है। तो रही बात आप पार्टी की, आप उनसे पूछिए कि बिना रिसोर्सेज डेवलप किए, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए आप कहाँ से फ्री फ्री में दे देंगे, कौन सी दुकान लग रखी है फ्री फ्री की। यहाँ पे इन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली में हर वार्ड में 3 शराब के ठेकों के साथ एक पिंक ठेका भी खोल दिया। तो शर्म होनी चाहिए, अगर वो फ्री में देने की बात कर रहे हैं तो इससे महिलाओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे जो युवा है जब 3-3 वर्ष की लड़कियां पिंक ठेको में रहेंगी तो राष्ट्र का क्या निर्माण करेंगी, क्या वो राष्ट्र के बारे में सोच पाएंगी। उनसे उनसे बहुत अच्छा एजेंडा है केजरीवाल सरकार का, ताकि जो है जो जनता है वो कुछ मांगे ही ना गवर्नमेंट से, तो उनको फ्री फ्री का इतना तो वो बेरोजगारी भत्ता दे ही रहे हैं कि ठेके तो पहुंच जाए। वो कहते हैं, वो कहते हैं कि नेताओं के लिए तो सब कुछ फ्री है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए तो सब कुछ फ्री है। आपके विधायकों का टेलीफोन बिल फ्री है, उनका रेंट फ्री है, तो जनता को भी फ्री मिल जाएगा, तो समस्या क्या है? क्या ये सुख जो है, ये सुख जो है इसको क्या नेता ही भोगते रहेंगे, जनताओं को नहीं मिलेगा? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अगले राउंड में, अगले राउंड में सबसे फिर रिमार्क लिए जाएंगे। हमने 5-5 लाख के चेक दिया आयुष्मान योजना कार्ड के तहत, दिल्ली सरकार ने ये कितना दिया, दिल्ली सरकार ने 15 झाड़ दिया, हमें कोई पैसा नहीं देना है। हॉस्पिटल के नाम पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूलों के नाम पे ये बड़ा ढोल बजा रहे हैं, एजुकेशन में हमने एजुकेशन में ये कर दिया, एजुकेशन में वो कर दिया। अरे पूछिए इनसे कितनी बिल्डिंग बनाई इन्होंने स्कूलों की, 50% प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों की बिल्डिंग के अंदर। नहीं आप उत्तराखंड की बात करिए ना, दिल्ली कहाँ जा रहे हैं आप, दिल्ली मत जाइए, ठीक है उत्तराखंड की बात कर रही है, उत्तराखंड की बात करेंगे, ठीक है। एक एक रिमार्क हो गया, एक एक रिमार्क हो गया, सबसे ले लेते हैं फिर डिबेट को खोलते हैं। कांग्रेस की पार्टी तो घोटालों में और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, सुनीता जी आपकी पार्टी जो है वो सत्ता में है, सुनीता जी आपकी पार्टी सत्ता में है, आपको तो ज्यादा संयम की जरूरत है, आप ज्यादा संयम में रहें, ज्यादा विनम्रता में रहें तो ठीक रहेगा। ठीक है चलिए एक एक रिमार्क ले लेते हैं सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डिबेट को खोलेंगे। तिलक चावला जी भी हमारे साथ हैं, तो तिलक जी जैसा कि त्योहारों में हम देखते हैं कि दुकानों पर सेल लगी दिखती है, वैसे ही राजनीतिक त्योहार जो है चल रहा है, चुनावी त्योहार चल रहा है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कुछ 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 जनता के लिए है, सभी घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो घोषणाजीवी है, और सरकार कह रही है कि इनकी जो घोषणाएं हैं विपक्ष वालों की ये कहने सुनने के लिए अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, क्या कहेंगे? सुनीता जी आप बहुत काफी चलिए तिलक जी थोड़ा सा आपकी आवाज़ में कुछ समस्या आ रही है, पीसीआर टीम से कहेंगे कि थोड़ा सा इस पर काम करिएगा और आवाज़ को थोड़ा सा सुचारू कीजिएगा, तिलक जी आपकी आवाज़ पर पीसीआर टीम देखेगी। तो चलिए वापस आते हैं, उमा जी बड़ी खुलकर बात करेंगे, बड़ी खुलकर बहस को रखेंगे। तो उमा जी ये देखिए कि जैसा कि अभी मैंने तिलक जी से भी इसी बात को रखा कि जैसे त्योहारों के वक्त बाजारों में सेल का पूरा एक रूप ले लेता है, पूरा बाजार सेल 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 की तरह दिखता है, वैसे चुनावी माहौल में भी पार्टियां सेल की तरह अपनी अपनी बातें रखती हैं, अपने अपने भाषण देती हैं, तो चुनावी माहौल है ये तो ठीक है, ऐसा होता ही है, तो इसमें समस्या क्या है? और आप अगर बातें कर सकती हैं, अगर आप बातें कर सकती हैं बिना किसी ब्लूप्रिंट के, तो यही बात तो सरकार के नेता भी कर रहे हैं बिना किसी ब्लूप्रिंट के। ब्लूप्रिंट तो किसी के पास नहीं है, अगर नहीं होता है तो जनता के सामने कौन सा आपको सजा मिलनी है? देखिए अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 10 साल से ज्यादा बीजेपी ने और 10 साल लगभग कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया, पूरे सत्ता आपके हाथ में है, पूरे संसाधन आपके हाथ में है, पूरे राज्य की सरकार है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों ने अगर सही तरीके से उत्तराखंड में काम नहीं किया और आज उत्तराखंड में समस्याएं हैं उसके मुंह में कर जाए तो कांग्रेस
क्योंकि आप लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाए, उत्तराखंड को एक बीमारी राज्य से बाहर निकालकर खुशहाल प्रदेश आप नहीं बना पाए, तो इसमें कमी जनता की नहीं है, इसमें कमी पूरी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों की रही है। तो आम आदमी पार्टी इस बात को कहती है और बात की बात में बड़े ध्यान देती है, फ्री फ्री फ्री। मेरा कहना ये है कि जब हर चीज सुविधा फ्री में मिलती है, जब को हर चीज फ्री में मिलती है, तो हमारे उत्तराखंड की कुछ भी आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं और मुफ्त के लिए जनता आपके सामने भीख भी नहीं मांग रही है। तो ऐसे में इसको मुफ्त का अगर शब्द का प्रयोग ना करें, फ्री शब्द का प्रयोग ना करें, और अगर इसको इस तरीके से लें कि आप जो दे रहे हैं उसी को गवर्नमेंट आपकी बदल कर आपके सामने रख रही है, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसमें मैं बहुत निशानी के लिए कई दृष्टांत याद आया कि राजा को उस जमाने में राजा और मुख्यमंत्री था कि राजा को सूर्य की तरह काम करना चाहिए कि सूर्य जो है वो जल से मतलब जलाशय होते हैं वहां से वो वाष्प को ग्रहण करता है और पूरा बारिश बरसा देता है जनता के ऊपर। जनता को पता भी नहीं चलता कि हमसे ही पिला दिया और हमको नहीं पटा दिया गया। जब बारिश होती है तो जनता प्रसन्न हो जाती है कि हमको इतनी बारिश हुई है, क्योंकि जब भी जो सूर्य ने जो ग्रहण किया होता है और तालाबों से ग्रहण किया होता है, तो ये बहुत बड़ा दृष्टांत है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए कि जनता को पता भी ना चले कि जो संसाधन यूज हो रहे हैं वो जनता के से ही ले गए हैं और जनता को इस तरीके से वापस कर दिए गए कि जनता प्रसन्न हो गई। देखिए आम आदमी पार्टी अगर बात करती है तो आम आदमी पार्टी उस निम्न वर्ग और मध्य निम्न वर्ग के बारे में बात करती है जो सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित पिछले 70 सालों के हमारे पूरे देश में रहा है। वो वर्ग जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना कमाता है, उस वर्ग को यहाँ पे की बात आम आदमी पार्टी करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस और बीजेपी जो है सबसे ज्यादा खोखला क्यों जाते हैं। हम किसी करोड़पति व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते, हम किसी लखपति व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी जो कि नॉन आदमी पार्टी, तो उस अपने बात के बारे में बात करता है जिसकी महिला को अगर आप जो कर रही है आप उमा जी, अब आप जो कर रही हैं वो भी तो घोषणा ही है, तो ऐसे में सरकार के लोग भी तो यही कहेंगे कि आपकी घोषणा घोषणा है और हमारी घोषणा ढकोसला क्यों है, तो ये भी तो सत्य है। फिर देखिए मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, दिल्ली में हमारे पास पूर्ण राज्य नहीं है, बहुत सारी चीजों में हमारे भाग जो है वो बंधे होते हैं, जिस हिसाब से हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उत्तराखंड एक पूर्ण राज्य है जिसके मुख्यमंत्री को वो सारी शक्तियां मिली हुई है, लोकतंत्र में हम लोगों को दी गई है। अगर उन सारी शक्तियों के निहित अगर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाते, सिर्फ घोषणा जी बनते रह जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री का ना होना ही उत्तराखंड के लिए बेहतर है। आपके पास सारी ताकतें हैं, पूरे संसाधन है, ब्यूरोक्रेट्स की भीड़ आपके पास है, इतना बड़ा सचिवालय आपके पास है, इतने इतनी बड़ी फोर्स आपके पास है, उसके बावजूद आप काम करने की बजाय अपनी योजनाओं को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की बजाय धरातल पर उतारने की बजाय आप सिर्फ घोषणा कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड का ऐसी कांग्रेस और बीजेपी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ पर पूर्ण राज्य के सत्ता होते हैं, इतनी सारी शक्तियां अपने पास होती है, आप अपना काम कर पाए। खास होते हैं बीजेपी के सत्ता उमा जी, समस्या भी तो है उमा जी, एक समस्या भी तो है। समस्या ये है कि आपके पास ठीक है अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जैसा कर्नल अजय कोठियाल साहब आपके सीएम फेस हैं, उमा जी हैं, नेता प्रवक्ता तक तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? जैसे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है पहाड़ी क्षेत्रों पर है, जमीनी क्षेत्रों पर है, हर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता कैसे आप इकट्ठा करेंगे, कैडर कैसे मजबूत करेंगे? चुनाव बिल्कुल सर पर है। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको तो बिल्कुल भी बता देना चाहती हूँ, इस समय अगर जो हमारा जो काम चल रहा है पूरी तरह से संगठन लेवल पर है, पूरी तरह से बूथ कार्यकर्ताओं पर हमारा काम चल रहा है, और आप देखिएगा कि अपने महीने डेढ़ महीने के अंदर हम लोग पूरी तरह से हर तरह के संसाधन से लैस होकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहले से कहा गया, आपको नहीं लगता कि अब समय चला गया है? आपको नहीं लगता कि समय चला गया? आप कह रहे हैं कि जल्दी आप देखेंगे कि हम संसाधनों से लैस आपको नजर आएंगे, आपको नहीं लगता कि वो समय चला गया है, टाइम आउट हो गया है, बजर बज गया है? देखिए मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती हूँ कि समय चला गया है। पार्टी पूरी तरह से संगठन तक पूरी तरह से काम कर रही है,
लोग पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। देखिए सड़क पर तो सड़क पर आपने उतरने की बात की उमा जी, आपने सड़क पर उतरने की बात की, आपने सड़क पर उतरने की बात की उमा जी एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने सड़क पर उतरने की बात की और सुनीता विद्यार्थी जी सुन रही थी, सुनीता विद्यार्थी जी खुद सड़क पर ही, अभी पीछे से गाड़ियां जाती हुई दिख रही हैं, तो ये देखिए। ठीक है, चलिए क्या कह रही थी उमा जी, हाँ बात रखिए उमा जी। नहीं, सुनीता जी तो अपनी पार्टी के बहुत अहम कार्यकर्ता है और इसमें वो सड़क पर रहते हैं, महिला शक्ति होने के नाते बिल्कुल मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी। महिलाएं जहाँ जिस पार्टी में भी रहे आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं बहन के साथ है। और लेकिन एंडर मोहन मेरा एक आपसे मेरा एक प्रश्न आपसे है, कांग्रेस के पास बहुत बड़ा संगठन है, बहुत भीड़ को इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत पैसा है, बड़ा संगठन है, बीजेपी के पास बड़ा पैसा है, बड़ा संगठन है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इतना पैसा इतना संगठन होने के बावजूद पिछले 20 सालों में पार्टियां जो दोनों पार्टियां क्या उत्तराखंड को उस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं जहाँ पर उत्तराखंड को होना चाहिए था? आज जरूरत ही नहीं होती आम आदमी पार्टी को, यहाँ पर दिल्ली की जनता आ रही है, पहले के जनता हमें हाथ को हाथ दे रही है, हम पर भरोसा दिखा रही है। आपने देखिए 2023 के चुनाव में बहुत प्रत्याशी परिणाम सामने आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं, अच्छी बात है। आप बाकी आप मुझसे सवाल कर रही थी, उसको बता दूं कि पत्रकार की तो विचारधारा ही नहीं होती, तो मैं किस तरीके से आपका जवाब दूं, वो ठीक है। लेकिन अमनदीप सिंह जी, यूथ कांग्रेस से आप, उमा सिसोदिया जी दरअसल आरोप लगाते लगाते खत्म आप पर किया उन्होंने, क्लाइमेक्स आप पर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं इतने सालों से उत्तराखंड में। अमनदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है भाई। ठीक है, तो अमनदीप जी, सुनीता जी से भी बात की, उमा जी से भी बात की, तो उमा जी ने शुरुआत तो की बीजेपी को घेरने से, लेकिन आखिर आते आते हमला आप पर भी बोलकर गई हैं। वो कह रही है आपने कांग्रेस का कैडर मजबूत है, कांग्रेस के पास तो नेता भी हैं, चेहरे भी हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, बूथ भी हैं, पार्टी कार्यालय भी हैं और अमनदीप जी भी हैं, लेकिन है क्या? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखिए जो बात अभी उमा सिसोदिया जी ने की है, बताई है उन्होंने, बताया कि ऐसा इसके पास सब कुछ है, कार्यकर्ता भी हैं, ऑफिसेज हैं, सब है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, नहीं मतलब मैं एक सेकंड, मैं एक सेकंड मैं कुल जमा बात बता दूं, उनका कहने का लबोलुआब क्या था। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी तो संसाधनों से लेस पार्टी है, इसके बावजूद जब वो सत्ता में रहे तो उन्होंने उत्तराखंड को दिया क्या? अभी फिर जो बात मैंने इससे पहले कही थी, सुनीता जी ने कहा था कि हमारी सरकार के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है, आपकी सरकार में था। तो मैंने, अब मैं अगर आपको जवाब दूंगा, मैं कहूंगा कि आप आंकड़े उठा के देख लीजिए हमारी सरकार ने क्या दिया प्रदेश उत्तराखंड को। तो अगर उमा सिसोदिया जी जो कहना चाहती है, उमा सिसोदिया जी से मैं अगर इनको ये दिल्ली मॉडल के नाम पे जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बता रहे हैं, ये आगे जितनी ये भी किसी से कम नहीं है। कितनी अरविंद केजरीवाल जी जितनी बार आते हैं नई घोषणा देके चले जाते हैं, हम फ्री बिजली देंगे, हम प्रत्येक महीने। तो आप भी तो उनकी घोषणाओं को ध्यान से सुनते हैं ना मनदीप जी, उन्होंने कहा कि हम 6 नए जिले देंगे, तो आपने कहा नहीं हम 10 नए जिले देंगे, तो आप भी तो उनकी घोषणाओं को ध्यान से सुनते हैं ना। कि अभी आपने खुद ही कहा था कि देखिए एक स्वतंत्र है, हम तो प्रदेश के लिए जो कार्य कर सकती है कांग्रेस पार्टी 2022 में, वो आज हम बता रहे हैं प्रदेश के अंदर कि हम ये चीजें कर सकते हैं प्रदेश के लिए। अगर मैं दिल्ली की, अगर ये छोटी सी दिल्ली की बात कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटी बात करूंगा, शायद उमा जी को शायद ये भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा था कि हम यमुना की साफ सफाई करवाएंगे। जब भी उन्होंने चुनाव वहां पे लड़ा है तब वो सबसे पहले यमुना की बात करते हैं, लेकिन अब तो वो एमसीडी पर ठीका फोड़ रहे हैं। देखिए वो तो अपनी जो सरकार, जैसे प्रदेश की बात करूं तो भाजपा सरकार जिस प्रकार से अपनी नाकामियों को छुपाने का कार्य करती है, उसी प्रकार से कार्य आम आदमी पार्टी जो अपने आप को तीसरा विकल्प प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बता रही है वो कर रही है। अगर इनकी स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो इनकी हकीकत थी वो कोरोना काल में देश के सामने आ चुकी है, किस प्रकार से लोगों को वहां बेड नहीं मिल रहे थे। मतलब आप कंपटीशन मानते हैं ना, मतलब आम आदमी पार्टी को, मतलब अमनदीप जी आम आदमी पार्टी को कंपटीशन तो मानते हैं ना? मैं आपको जवाब, नहीं,
हम प्रदेश उत्तराखंड के मैं जवाब दे रहे हैं इनको कि जो ये वादे ये जो बता रहे हैं, अब एक बात बताइए, क्या दिल्ली की महिलाओं के लिए कुछ सोच नहीं सकते आप? आप यहाँ आके प्रदेश उत्तराखंड की तरह आप बात कर रहे हैं, आप अंदर प्रदेश उत्तराखंड में आके बात कर रहे हैं कि हम हर महीने महिलाओं को ये रोजगार देंगे, आप कौन सा रोजगार वहाँ प्रदान करवा रहे हैं लोगों को? आप हर दिल्ली का उमा जी आप पर आ रहा हूँ थोड़ा सा रुकिएगा, उमा जी आप पर आ रहा हूँ, ठीक है अमनदीप जी। अमनदीप जी अभी आपने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं कर सकते, तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी कह सकती हैं कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो उत्तराखंड में भी वैसे ही घोषणा हो सकती है, समस्या क्या है? देखिए हमारे महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपकी डिमांड की थी कि महिलाओं को भी तो आप नेतृत्व दीजिए यहाँ पर। देखिए बिल्कुल दिया जाएगा और ये राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ से दिया जाएगा, आप तो कह रहे हैं कि दलित चेहरा देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। मैं आपको एक चीज बता दूं, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हमारे कांग्रेस कमेटी में हो चुका है और जो मजबूत दावेदारी से प्रत्येक विधानसभा से मजबूत दावेदार होगा और जिस उस लायक होगा उसको टिकट का वितरण उसी प्रकार से किया जाएगा। मतलब रही बात आरक्षण नहीं देंगे फिलहाल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल देंगे हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बता देना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी ने एक नारा भी दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ, तो कर्नाटका में आपके एक विधायक है, उन्होंने भी कुछ कहा है, दोनों बातें एक साथ बताइए। वो पता है, दोनों बातें एक साथ बताइए। बिल्कुल पता है और उसके लिए कठोर से कठोर उनके लिए संज्ञान लिया जा रहा है। कहां लिया जा रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व ले रहा है बॉस, आपको पता लग जाएगा जल्दी और बता दिया जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए उमा जी कुछ कह रही थी, उमा जी आप कहिएगा जरा, आपको जो जवाब देना था कुछ जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम सीधे सुनीता जी के पास आएंगे। मैं अमन भाई से ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का चुनाव है और 2022 में हम तीनों पार्टियों को उत्तराखंड की जनता के सामने अपने आप को पेश करना है। तो अगर कांग्रेस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की बात करे और यहाँ जो तीनों समझे खाते होंगे कांग्रेस को, मेरा बहुत छोटा सा सुझाव इस बात का है कि आप लोगों की कुछ तो गलतियां रही होंगी कि आप 11% गए और इस बार आप 11 तक भी नहीं पहुंचेंगे, आप 1% जाएंगे। तो बेटर है कि कांग्रेस अपनी इन सारी गलतियों को जो जो उनसे आज तक हुआ उसके बारे में आत्ममंथन करें और उसके बाद जनता के सामने जाए। देखिए जनता बहुत समझदार है, उसको मालूम है उसको क्या करना है। तो कांग्रेस का जिसको इस बात को जरूर मानना चाहिए कि बार बार दिल्ली में हमने नहीं किया। देखिए दिल्ली की विधानसभा का जब चुनाव होगा दिल्ली की चुनाव जिसको चुनेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली ने केजरीवाल जी को हरा दिया या केजरीवाल जी को जीता दिया। आप उत्तराखंड में बात कीजिए, उत्तराखंड में कांग्रेस ने सुनीता जी, उमा जी ने अमनदीप जी से कहा कि आपकी जितनी सीटें बची थी उतनी भी काट पीट के इस बार अलग कर देंगे, आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला, तो यहाँ तो आप खुश हो जाइए थोड़ा सा। दूसरी चीज सुनीता जी, अमनदीप सिंह जी के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मास्टर स्ट्रोक की तरह खेल रहे हैं, और वैसा ही उमा सिसोदिया जी के पास बहुत सारी घोषणाओं की झड़ी है, बहुत कुछ है जनता के लिए। तो जब दोनों तरफ से जनता के लिए इतना सब कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है, जनता के समक्ष रखा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको परेशानी हो सकती है? क्योंकि एंटी इनकंबेंसी भी होता है, पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से चुनाव लड़ने वाली है और चुनाव जीतने वाली है अन्य दलों से। तो ये अच्छी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी मेहनत करते हैं और सही वायदे लेकर अगर जनता के बीच में आते हैं तो इनका स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आते ही बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन केजरीवाल जी का बिल्कुल अच्छा नहीं गया है क्योंकि उन्होंने जो बेरोजगारी मुद्दा यहाँ पे 1000 बोल रहे हैं देने को, पंजाब में 5000 बोल रहे हैं देने को, दिल्ली में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं देने को, तो ये पार्शियलिटी हुई। और दूसरी बात कि आप ठंड में आंकड़े बोल रहे हैं बिजली फ्री पानी फ्री, अरे भाई यहाँ पे है तो किन ज्यादातर डोमेस्टिक कनेक्शन है और हम तो कहते हैं कि फ्री में मिलूं तो बहुत अच्छा, सरकारें इसीलिए बनी है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा चीजें मुहैया करवा सके, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके, लेकिन हवा में कीर नहीं छोड़नी होते है। आप बताइए रिसोर्सेज क्यों डेवलप करेंगे, आपको लोग जो बेरोजगार है अगर उनके लिए आपने कोई योजना लाई होती कि भाई ये स्कीम हम चलाएंगे और इससे आपका घर बार चलेगा,
आप रोटी कमा सकेंगे, तब भी इनकी जनता विश्वास करती है, लेकिन कुल भी 1000 रुपए देंगे उसके इतना महीना काट लो जैसे भी काटने है। ये सब चीजें है जो झूठी है। और मैं तो कहूंगी केजरीवाल जी जिस प्रकार से दिल्ली में अलग ही तरीके से राजनीति का जो वहां पे माहौल बना रहे हैं उससे राजनीति खराब हो रही है। पिंक ठेकुर की आप तो मैं कहती हूँ कि कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया, इन्होंने भी पिंक ठेके कभी नहीं लाए, सुनीता जी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1 लाख रोजगार देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इसके साथ आम आदमी पार्टी एक और बात कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने पुष्कर सिंह धामी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि उनसे घोषणाओं पर घोषणाएं की कराई जा सके। देखिए हमने जो मुख्यमंत्री बनाई है वो जनता के सामने और धामी जी की धाक पे रास्ता देख चुके हैं, इनके पसीने छूट रखे हैं, इन्होंने पहले ही हार मान ली दोनों दलों ने। अगर इनमें दम होता तो ये हमारी घोषणाएं पूरी करो नहीं पूरी करेंगे तो फिर हम देख सकते हैं। लेकिन ये तो पहले ही कह रहे हैं कि घोषणा दी है, अरे भाई शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास वीर बोलो, जब लोकार्पण कर रहे हैं तब लोकार्पण वीर बोलो, लेकिन आप केजरीवाल जी की वीरता दिखानी है बिल्कुल भी। आपका ये अभी इन्होंने हमारे देश की इतनी बड़ी सीरियस इतनी बड़ी दुर्घटना में उनके प्राप्त होती है और ये कह रहे हैं पूछ लीजिए कितने चुनाव तक सर्जिकल स्ट्राइक वाले उस बयान का फायदा उठाएंगे आप? अरविंद केजरीवाल के उस बयान का कब तक फायदा उठाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक का? इसका तोड़ इस बार उन्होंने दिया है, कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का फेस बना दिया है, ठीक है उसको पुराना रखिए, उसको वो पुरानी बात हो गई है, ठीक है उसको पुराना रखिए, पुरानी बात भाई, ठीक है आप सीरियस से की पैसे ठीक है। उमा जी आपने कर्नल अजय कोठियाल को आपने सीएम का फेस तो बना दिया, आपने जो राष्ट्रीय भावना थी उसको जोड़ने का काम तो कर लिया, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको बार बार सुनवा रहे हैं बीजेपी वाले जिसमें वो सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक्स के। देखिए इस बात को तो सभी लोग मानते हैं, मैं तो मानती हूँ कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है और किस तरीके से बीजेपी का आईटी सेल काम करते हैं वो सभी को मालूम है कि किस तरीके से। और जो एक कहावत है ना कि झूठ को 100 बार बोलिए तो जनता आपको सच मानने लगी, ये तो यही है। अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से कहा था जनता को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाना चाहिए और इसलिए बोला था कि पाकिस्तान बोल रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो पाकिस्तान को बताओ कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करी और ऐसे करी है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का एडमिशन बहुत मजबूत है और झूठ को बार बार बोलते रहेंगे। आप कह रही है वो बार बार एक ही झूठ को बोलते रहेंगे, लेकिन अभी सुनीता जी कहकर चली गई कि अरविंद केजरीवाल जी जितनी दफा आते हैं जितनी बातें करते हैं वो सब झूठी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रही है पॉसिबल ही नहीं है, वो कह रही है इनको शायद, सुनीता जी कह रही है कि इनको शायद पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, चाहे आप भौगोलिक दृष्टि से देखें चाहे कैसे भी देखें पॉसिबल नहीं है जो आप कह रही है। वो कह रही है हवा में तीर छोड़ रहे हैं। मैं तो सुनीता जी से एक बात कहना चाहूंगी और अपने भाई से बीजेपी दोनों से कहना चाहूंगी, इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाने दीजिए, आप लोग भी हमें सहयोग कीजिए, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हम ही बनवा देते हैं, उसके बाद अगर हम घोषणाएं पूरी ना कर पाए तो आप हमें फांसी चढ़ा दीजिए, इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप कांग्रेस और बीजेपी वाली लीग में आना चाहती है, इन्हीं की पार्टी में आना चाहती है कि एक गया तो दूसरा गया तो तीसरा आया, इनकी पार्टी में घुसना चाहती हैं आप, इनकी जो लीग है। मैं इनकी पार्टी में नहीं घुसना चाहती, मैं तो दोनों से कहना चाहती हूँ कि इस बार जनता के भले। आप ही कह रही है कि एक बार मौका दीजिए, नहीं होता तो ठीक है किसी और को खर्चा पर्चा दीजिए। मैं कह रही हूँ 2022 में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने चाहिए, देखिए ऐसा करिए एक एक करके बोलिए आप लोग आम आदमी पार्टी को बदलने के लिए रणनीतियां बनाइए, मैं तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ।
आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से 2022 का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। चुनाव तो सर पे आ गया ना। मैं भाई देखिए उमा जी, मैं बार बार आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। उमा जी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा समय लेट हो गया है, थोड़ा सा टाइम अप हो गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ठीक है, कर्नल अजय कोठियाल साहब ठीक है, आप ठीक है, प्रवक्ता है, नेता है, सब कुछ है, कार्यकर्ता कहाँ है? रणनीति बनाने की आप बात कर रही हैं, रणनीति को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? पहाड़ी जगह है, जमीनी स्थल है, वहां पर आप कैसे पहुंचाएंगे? आपके पार्टी कार्यालय भी अभी तक नहीं बने हैं, नींव लगती है, नींव भी नहीं डली अभी आप तब आपकी। देखिए आम आदमी ने भी क्या कहा, आम आदमी पार्टी को 125 साल पुराने संगठन का और कम से कम 80-90 साल पुराने जनसंख्या, हमारी बहुत नई पार्टी है। लेकिन हम लोग जितने उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता 100-100 के बराबर यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है, हमारी जो लोग जो क्षेत्रों में जो निकले हुए हैं, जो लोग आप उनकी उनकी जो मतलब एनर्जी है, उसकी एनर्जी मतलब जोश है, जुनून है आपके कार्यकर्ताओं में, जोश है, जुनून है आपके कार्यकर्ताओं में, ठीक है। अमनदीप जी बीजेपी तो भारी थी ही, अब आम आदमी पार्टी और कंपटीशन में आ गई है, समस्या तो है ना? वो कह रही है कि एक एक कार्यकर्ता जो है उनका वो बीजेपी और कांग्रेस के 100-100 कार्यकर्ताओं के बराबर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूती से और ये हर पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। वो उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की बात करेंगी, मैं कांग्रेस की करूंगा कि बीजेपी की करेंगी, हर पार्टी के पास अपना कार्यकर्ता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता की अगर बात करूँ तो बिल्कुल ट्रूथफुल होके काम करता है पार्टी के लिए। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, कार्यकर्ता कहीं कमजोर नहीं, कार्यकर्ता कमजोर नहीं होता, कार्यकर्ता तो पूरे जोश और जुनून के साथ काम करता ही है। लेकिन जब सीनियर लीडर्स असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं तब तो समस्या आती है ना, कि आप जैसे आपका प्रीतम सिंह का एक अलग कुनबा बनता नजर आता है, लेकिन वही हरीश रावत जी का अलग कुनबा नजर आता है, तो कार्यकर्ता भी तो असमंजस की स्थिति में आ जाता है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि देखिए हल्की फुल्की नोक झोंक हर पार्टी में चलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं का, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और मैं आप जो आपने बात बोली है, प्रीतम सिंह जी वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर आप हरीश रावत जी वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। अच्छा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता, ठीक है ठीक है। कैप्टेंसी तो होगी ना कोई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आप देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, अगर आपने जो बात बोली आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपको उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ, ये बात मुझे बहुत मतलब काफी टाइम सुनने को मिलता है कि ये प्रीतम सिंह जी, ये हरीश रावत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं शीर्ष नेतृत्व की बात करता हूँ तो उन्होंने भी साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जो संगठन के अंदर काम हो रहा है ये सभी के चेहरे पे हो रहा है, सभी कर रहे हैं, सभी के चेहरे पर हो रहा है, घोषणाओं को लेकर बहस है, ठीक है, सभी के चेहरों पर हो रहा है, घोषणाओं को लेकर बहस है। हरीश रावत जी ने दो बातें की हैं, अब इस पर आप ये बताइएगा कि पार्टी की बात कौन सी है और व्यक्तिगत बात कौन सी है। पहली बात उन्होंने कही कि दलित चेहरा वो सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत है कि पार्टी की है? देखिए पार्टी की बात जहां तक आती है मैं पार्टी की बात बता देता हूँ, पार्टी के द्वारा जो हमारे एक और दो बातें मैंने कही थी, एक और बात कह देता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 10 नए जिलों का पुनर्गठन होगा, ये भी हरीश रावत जी ने कही है। दोनों बातें हरीश रावत जी ने कही है, कौन सी बात उनकी व्यक्तिगत है और कौन सी बात पार्टी की तरफ से है? अब मैं बता देता हूँ आपको, जवाब दे देता हूँ। जो आपने बात करी दलित मुख्यमंत्री चयन, तो अभी साफ तौर से शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हमें आदेश दिए गए हैं, ये पूरे आदेश दिए गए हैं कि सभी के, अभी भी यही बोला था, सभी के सामूहिक तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा। जब प्रदेश के अंदर 2022 में सरकार बनेगी उसके बाद शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस चीज का गठन किया जाएगा कि जो भी निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा वो निर्णय सबको दूर होगा। मतलब हवाई है, मतलब घोषणा जो है वो हवाई है, अभी कुछ तो घोषणाओं की बात नहीं। आपने मुख्यमंत्री की बात जो आपने बोली है, दलित चेहरा मुख्यमंत्री बोला है, मतलब ठीक है, मतलब जो, मतलब जो हरीश रावत जी ने कही वो हवाई बात थी, मतलब कुछ ठोस आधार नहीं है उसमें। देखिए जो पार्टी की बात है, जो जहां तक मुझे संज्ञान है जिस चीज का, जहां तक मुझे पता है वहां तक तो यही है कि जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कहा गया, देश का शीर्ष नेतृत्व तो हरीश रावत जी भी है ना,
अगर वो कोई बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है अभी नहीं चुनाव के बाद देखेंगे, तो मतलब हवाई बात है ना। हवाई बात। और ये देखिए ऐसा, चलिए ठीक है, 10 नए जिले बनाने की जो आपने बात की है, 10 नए जिले बनाने की, कोटद्वार, यमुनोत्री, ये जो नए जिले बनाने की आप बात कर रहे हैं, ये बात हवाई है या फिर सच है? देखिए अगर उन्होंने कहा है तो पार्टी द्वारा ही कहा गया होगा। अगर मैं ये कह दूंगी, अब आप फंस रहे हैं, अब आप फंस रहे हैं, समस्या हो रही है, अब आप फंस रहे हैं, फंस नहीं रहे, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आप एक जगह तो कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने कहा है, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद देखेंगे। आप दूसरी जगह कह रहे हैं कि अगर हरीश रावत जी ने कहा है तो पार्टी की ही बात होगी। अब एक ही सेंटेंस में आप दो दो बातें कैसे कर लेंगे? संज्ञान में जो चीज है, मैं आप वो चीज बता पाऊंगा। सामूहिक तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये मेरे संज्ञान में, मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी घोषणा हरीश रावत जी या प्रीतम सिंह जी कोई भी करना है हमारी पार्टी में, तो कोई भी बड़ा नेता अगर उनको जनता के सामने, कांग्रेस किसको नेतृत्व मान रहा है, कांग्रेस किसको नेतृत्व मान रहा है प्रदेश स्तर पर, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। हरीश रावत जी को नेतृत्व मान रहा है प्रदेश स्तर पर या फिर प्रीतम सिंह जी को मान रहा है प्रदेश स्तर पे? मैंने अभी फिर वही जवाब मैं दोबारा अटकाइए मत, जलेबी नहीं सीधे बोलिए, ठीक है सीधे बोलिए, जलेबी नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, और मैं सीधे ही बोलता हूँ जो मेरी आदत है, और ये सीधे ही बोल रहा हूँ। सामूहिक तौर पे चुनाव लड़ा, सोच विचार क्यों कर रहे हैं, सोच विचार क्यों कर रहे हैं अमनदीप जी? अगर कुछ होता है तो सटाक सीधा सामने होता है, सोच विचार क्यों कर रहे हैं? प्रदेश में नेतृत्व सामने ही मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है बताइए। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना, सामूहिक तौर पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे मैं आपको संज्ञान हमारी चीज में है, और वो है। मैं आपको बैंगलोर भेज रहा हूँ, बहराइन जा रहे हैं, आप मुझको ये बताइए कि किसके नेतृत्व में प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं? प्रीतम सिंह जी का नेतृत्व है या फिर इधर हरीश रावत जी का नेतृत्व है? देखिए मैंने अभी, अब अगर बात करें तो, अगर सर्वे की बात करें तो हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मतलब हरीश रावत जी जो कहेंगे वही पार्टी का पक्ष है प्रदेश स्तर पर। तो हरीश रावत जी ने कहा है कि दलित चेहरा वो सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, मतलब ठीक बात है ये? और अगर आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, चुनाव के बाद देखेंगे, तो मतलब हवाई बात है, मतलब आपकी पार्टी जो घोषणाएं कर रही है वो हवाई घोषणाएं कर रही है? हवाई घोषणाएं एक भी नहीं कर रही है हमारी पार्टी। ठीक है, तो मतलब दलित चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आएगा, दलित चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आएगा? ये जवाब दोबारा वही दूंगा, अगर पार्टी द्वारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा तो बिल्कुल आएगा, आएगा, मतलब ठीक है। कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस का स्टैंड है, उत्तराखंड कांग्रेस का स्टैंड है कि दलित चेहरे को सीएम बनाया जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं भी दोबारा, अगर मगर की स्थिति कहां रह जाती है, जवाब आपको बार बार दूं। चलिए ठीक है, अगर मगर की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी उमा जी कहिए, कहिए। दयनीय स्थिति में ना डाला जाए, वो बेचारे खुद ही आपसी लड़ाई में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, इन बेचारे गरीबों को आप ज्यादा टेंशन ना दें, उनको खुद ही नहीं पता कि वो कौन से घर में है। कांग्रेस को हराने के लिए विकल्प बताने की भूल कर रहे हैं जो प्रदेश के अंदर, टेंशन आप लीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत है, जो आप अपने आप पूरे कोरोना काल में नजर नहीं आते हैं प्रदेश के अंदर, और अब आपके अब आगे आप जनता को कहते हैं हम तीसरा विकल्प है, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। तो वोट तो काटेंगे ना, वोट तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो वोट काट ही देंगे ना। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनानी पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, संभव तो सब कुछ है। देखिए तो इतना मत लड़िए झगड़िए, इतना मत लड़िए झगड़िए, इतना मत लड़िए झगड़िए मनदीप जी, कि चुनाव के बाद अगर ये स्थिति बने कि साथ में आ भी सके तो आ भी ना पाए, और ये पुरानी क्लिप हमको दिखानी पड़ जाए। लड़ने झगड़ने वाली कोई बात, मैं कह रहा हूँ कि सारे सवालों का जवाब 2022 के अंदर उमा जी को भी मिल जाएगा और सुनीता जी को भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, कि जो ये आज इन्होंने बात कही है, कि आज उमा जी ने भी मुझे बोला कार्यकर्ताओं को टेंशन मत दीजिए, और इनकी भूल है कि मैं तो कह रहा हूं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है काफी देर से, मैं नहीं सुनीता जी काफी देर से मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपसे सवाल लिया जाए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, चित्र नहीं आ रहा है आपका। देखो ऐसा मुझे ये प्रतीत हो रहा है भाई, मेरा बड़ा परेशान हो गया। पंजाब तो इनको तरन्नी मिल गई थी, उत्तराखंड में कुछ भी नहीं आएगा, ठंडी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, तो सीएम की तो इनसे आप उम्मीद ना करें, क्योंकि इन्होंने खुद जो एक को ले जाकर दलित चेहरे को ये सीएम बनाएंगे,
वो इनके धर्म की हड्डी बन गई है, की हड्डी बन गई ना, गलती बन रही है। अब वो अपने आप 2 साल से सीएम का चेहरा घोषित कर रहे थे, गांव के भी इन्होंने जो है। अरे चेहरों पर आप सुनीता जी कैसे बात कर सकती हैं, चेहरों पर आप कैसे बात कर सकती हैं? आपने तो कुछ कुछ महीने दिए कुछ कुछ चेहरों को, क्योंकि आपने तो कुछ कुछ महीने दिए कुछ कुछ चेहरों को। दूसरी पार्टी ने सेनापति घोषित कर दिया, लेकिन सेना गायब है। ये थोड़ी ना राजनीति होती है भाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी भी है, सेना लड़ने की क्षमता भी लीजिए, जगह जगह पे मैं गली गली में शोर है, भाजपा का ही जोर है। और भाजपा पुनः सरकार बनाएगी, 60 पार्ट हमारा नीचे उसको लेकर आएगी और इन लोगों को पक्ष में बिठाएगी और ये अभी कंफ्यूज रहेंगे। जस्ट राम, चलिए ठीक है। तो आप चेहरों की बात कर रही थी, लेकिन सुनीता जी दरअसल बात क्या है कि जब उत्तराखंड के लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ही ये है कि आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री बहुत कम समय में दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दी तो ये उपलब्धि है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हमने सरकार स्थिर दी है, हमने कहीं स्टिंग नहीं कराए, हमने कहीं आंखें बंद नहीं की, हमने कोई घोटाले नहीं। चलिए ठीक है, लास्ट लास्ट सवाल रहेगा समय की कमी के कारण। सुनीता जी एक आखिरी बात बताती जाइएगा, ये अमनदीप सिंह जी के लिए भी ठीक रहेगी और उमा जी के लिए भी ठीक रहेगी कि अगर आपकी सरकार दोबारा बनती है तो इस बार उपलब्धि स्वरूप आप मैनिफेस्टो में ये दर्शाइए कि इस बार आप कितने मुख्यमंत्री देंगी। इस बार जो मुख्यमंत्री मिलेंगे, धामी भाकड़ जी आपको अगले 5 साल में मिलेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष में उनके बारे में ही यहाँ पे चर्चा करते हुए आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का क्लियर कट जवाब दे दिया, उसके लिए शुक्रिया। अमनदीप जी का शुक्रिया और उमा जी का भी शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए सवाल के। इतने शानदार जवाब कभी कभी ही मिलते हैं। फिलहाल आज की जो बहस थी, चर्चा थी, वो इसी मुद्दे पर थी कि सरकार भी घोषणाएं करती है, विपक्ष भी घोषणाएं करता है, लेकिन घोषणाएं कब पूरी होती हैं, किस तरह से पूरी होती हैं, किस स्वरूप में पूरी होती हैं, 5 साल में पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, इसका जवाब जनता किससे तलब करे, कब तलब करे और कैसे तलब करे। यही था आज का कार्यक्रम जिस पर थी चर्चा और बहस। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।